ये देखिए मॉर्निंग। हेलो गाइस। और तो मॉर्निंग लगभग अभी 7 बज गया है और अमित और अनिल सो रहे थे। हेलो गाइस। सो मॉर्निंग हो चुकी है और लगभग टाइम अभी आपका 7 बज गया है। सामने धूप निकल गई और अभी इस जगह पे लगभग धूप आने में टाइम लगेगा। तो अभी हमें केदार रिजॉर्ट में या ये देखिए ऐसे ऐसे लोग कर रात के डॉगी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, डरा दिया था और अमित की जो हालत थी वो आप लोगों को देखने को मिली। और फिलहाल बंदर तो आर्क है और इतना वफादार है कि जो इसके आसपास कुछ भी आए उसको भगा देता है। पकड़ इसको देख के डर भी लग रहा है वैसे। और आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा रील्स जो हमने कोको होम स्टे का रील्स बनाया था वो देखने को मिलेगा। तो आइए और आप चेकआउट कीजिए। ये देखिए लड़ाई चल रही है इनकी, सुबह सुबह मस्ती चल रही है। मुझे लग रहा है इनके घर पे शादी के लिए बोलना पड़ेगा मुझे, इनकी शादी कर दो। ये देखिए मुझे शादी नहीं करनी है, बहुत छोटा हूं। मनी मन तो लड्डू फूट रहे पर बाहरी मन वो तो क्या करना, बोलना तो पड़ेगा ही। और वैसे ही ठंडा भी बहुत है और अभी तक हम लोग उठे नहीं हैं, लगभग 8 बजने वाला है तो जल्दी से जल्दी उठते हैं। इसके बाद भी एक और वेडिंग है, उस वेडिंग में जाना है, उसका जो रिसेप्शन है वो शूट करना है। और जितना आपका जो कल तक का प्रोग्राम है वो सारा हम लोगों को खींचना है। क्या क्या विशाल ने एक दिन विशाल ने गुप्तकाशी में वेडिंग थी और विशाल को पता नहीं था कि अनिल वो नहीं है क्या। तो कल वहाँ पे बने हुए थे गुलाब जामुन और अनिल जी बोल रहे थे कि चलो रसगुल्ले खाते हैं। अच्छा गुलाब जामुन बने और चलो जामुन को रसगुल्ले बोल रहे हैं। ये क्या क्या बात है, ऐसे लोग ऐसे लोग कहते हैं ये लोग जब पता नहीं जाता तो कोई बोल रहा है ठीक है। हां इनके लिए भी कुछ मेडल वगैरह बनाना चाहिए। और कमेंट कीजिए आप ये ऐसे दोस्त होंगे तो जो गुलाब जामुन को रसगुल्ला बोले। और विशाल की जो हम अभी बात कर रहे थे, विशाल गुप्तकाशी में वेडिंग हॉल जो गायत्री वेडिंग हॉल था, वेडिंग हॉल पे हम शूट कर रहे थे तो विशाल ने वहाँ पे क्या किया कि उसको पता नहीं था वो पानी पूरी का बहुत ज़्यादा शौकीन है और अगर पानी पूरी हो उसको सुबह दिन को रात को अगर पानी पूरी मिल जाए तो वो छोड़ेगा नहीं, मतलब ही नहीं है अगर वो छोड़ेगा, चाहे कितना भी ठंडा हो चाहे बाहर बर्फ पड़ रही हो तो तब भी खाएगा खाएगा। तो उसने क्या किया कि उसको पता नहीं था कि यहाँ पे पानी पूरी है और उसने प्लेट में खाना वगैरह लगाया। और उसके बाद जो दूसरा फोटोग्राफर था उसने कहा चलो पानी पूरी खा के आते हैं, उसने अचानक से वो थाली को सीधे डस्टबिन में फेंका और चले गया। तो डस्टबिन में डालने के बाद उसने क्या किया कि खाने बैठ गया वो गुलाब जामुन ये पानी पूरी खाते खाते इतना खा लिया कि जो पानी पूरी दे रहा था उसने लास्ट में वो वहाँ से सीधे निकल गया बिना बोले या बिना उसके, क्योंकि उसने इतना खा लिया था। तो तब भी वो उसको छोड़ने के मूड में नहीं था कि मैं गुलाब जामुन ये पानी पूरी को छोड़ूं और हो गया बस हो गया, इतना खा लिया था उसने कि लास्ट में उसने उसको ज़बरदस्ती बोला कि भाई हो गया बस भाई उठ दो टाइम हो गया। सोते यार पता नहीं, अरे बहुत ठंड है यार भाई कैसे उठूंगा, अरे धूप भी लग गई भाई यहां देखो। ये देखिए धूप भी लग चुकी है और आस का नज़ारा कुछ इस प्रकार है केदार वैली में। तो आप सोच सकते हो वैसे ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा है और वैसे ही धूप निकल गई तो अब जाके थोड़ा सा राहत मिली। और फिलहाल हम लोग अभी धूप पे निकल चुके हैं और वैसे ही ठंडा बहुत ज़्यादा है। तो अमित तो लगा है अपना ब्लॉग शूट करने पे, तो लगे रहो, हम भी हाथ मुँह धोते हैं और हाथ मुँह धोने के बाद
हम भी निकलते हैं, जो धारा पूजन है उसको करना है अभी। और यहाँ पे जंदिया भी लगे हुए हैं अपने ब्लॉग पे, तो ब्लॉग शूट करने के बाद धारा पूजन में निकलते हैं और वहाँ पे जल्दी से जल्दी निपटाते हैं और फिर हम भी जाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो वेडिंग है उसमें जाना है। विशाल वहाँ से कॉल पे कॉल कर रहा है कि कब आ रहे हो कब आ रहे हो। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं जो केदार रिजॉर्ट है, केदार रिजॉर्ट का शूट करना है ड्रोन से। तो अपना काम थोड़ा निपटा देते हैं क्योंकि उसके बाद हमारे पास भी टाइम नहीं रहेगा, हमने इसके बाद दूसरी वेडिंग में शूट करने के लिए जाना है। तो जल्दी से जल्दी ये भी निपटाते हैं और फिर हम भी निकलते हैं। और केदार वैली में आपको ढेर सारे फ्लावर दिखेंगे, ये देखिए, और सुंदर तरीके से डेकोरेट भी किया हुआ है जो रूम है। रूम में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं तो अच्छा भी लगा देख के। कुत्ता आया और अमित अंदर को भाग गया क्योंकि कल रात को ये भी थोड़ा काटने के मूड में था। आपके पास एक ऑप्शन तो है पहाड़ी ब्लॉगर को डराने के लिए, डॉग। तो कभी भी आपको दिखता है तो अगर डराना है तो डॉग से डरा सकते हो क्योंकि जैसे ही डॉग निकला पहाड़ी ब्लॉगर गोटी कल्टी मार। और फिलहाल चाय भी आ चुकी है और वैसे ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो ये देखिए चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं हम। अनिल ओ अनिल बोल एक और था कालू कालू ले ले ये कौन कालू ये भगवान ले तो फिलहाल हम लोग भी निकल चुके हैं और अभी जस्ट बाल धो के आया हूँ तो अभी थोड़ा सुखाना पड़ेगा उसको और मूव करते हैं हम भी। चलो थैंक यू सो मच, आपने आपने हमारी हेल्प की। कल रात को जब हम स्टे करने के लिए आए थे तो भाई ने केदार वैली नाम से रिसोर्ट है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और जो रूम वगैरह है काफ़ी क्लीन है। तो आप आइए और विज़िट कीजिए केदार वैली में, तो आपके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी केदार वैली में। और फिलहाल हमारी टीम तैयार है, लेट्स गो, सभी लोग निकलते हैं क्योंकि अभी जो हमारा धारा पूजन है धारा पूजन होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट वेडिंग है उसको शूट करने के लिए जाना है। तो निकलते हैं, ठीक है भाई जी, हैप्पी जर्नी, थैंक यू, जय केदार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फिलहाल धीरे धीरे फिलहाल हम लोग भी निकल चुके हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है और जो वेडिंग का है उसको शूट करते हैं, जो धारा पूजन है उसको शूट करने के बाद हम भी निकलते हैं, मिलते हैं आपको सामने पे फिलहाल। और फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे वेडिंग थी और ये जो जगह थी जो पूरा डेकोरेशन था ये सारा कुछ हम लोगों ने शूट कर दिया है और हम लोग भी पहुंच चुके हैं। नाश्ता तैयार है और जो दूल्हा और दुल्हन है वो तैयार हो चुके हैं। तो इसके बाद आपका जो धारा पूजन है धारा पूजन करने के बाद हम लोग भी निकल जाएंगे। और फिलहाल अमित पहाड़ी ब्लॉगर आप जानते ही होंगे और ये अर्जुन और अनिल, तो चारों लोग हैं हम। और इसके बाद हमारा
हमारे साथ आ जाएगा कौन? विशाल बिस्सी बॉय। तो बिस्सी बॉय आज के जो मजे लेंगे वो बिस्सी बॉय के साथ लेंगे। कल तक तो खैर अर्जुन था हमारा जो मेन कंटेंट था, और जो नहीं मेन कंटेंट कल का अमित जो कल रात और वीडियो डॉग का जो दिखाया था हमने, जो डॉग ने अमित को डराया था, तो वो सारी चीज़ें दिखाई। तो कल का जो ब्लॉग था वो अमित पे था, और आज का जो ब्लॉग बनेगा वो बनेगा विशाल पे। तो फिलहाल नाश्ता करते हैं और उसके बाद हम लोग भी जल्द से निकलते हैं। नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद आरती होगी। आ जाओ ये लो, कितने खाएंगे आप? अरे चल हम ये चलो, चल हम ये जलाना। हाँ क्या फिलहाल नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलो परे आ जा, इधर आ। गलत बात यार मत कर। चल इधर आ। अरे ये पत्थर देने ना गौर भारी तम जा रुका है इस यस थोड़ा सा बुआ जो का जरा इसे नंबर बात तो पा ले बोल जाना कि मैंने बोला।